तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपने एक बहुत महंगा मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल एक दिन के अंदर अंदर खराब हो गया, तो कैसी स्थिति होगी आपकी? फटके हाथ में आ जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है CSK के साथ। उन्होंने ऑक्शन में दीपक चहर को 14 करोड़ में खरीदा। अपने जिंदगी का सबसे बड़ा खरीद ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने किया। दीपक चहर को 14 करोड़ में खरीदा और दीपक चहर इंजर्ड हो गए। पैसा बर्बाद पहन चोर। जी हाँ दोस्तों, CSK के फैंस कह रहे होंगे ये साला दुख का है खत्म नहीं होता बे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दीपक चहर पूरा का पूरा IPL मिस नहीं करने वाले हैं। वो शायद से 3-4 मैचेस मिस करे, क्योंकि वो बताया ये जा रहा है आजकल की सोर्स के मुताबिक कि वो अप्रैल के बीच में पूरे फिट हो जाएंगे और टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो तब तक के लिए दीपक चहर का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? टीम में से कौन सा बॉलर दीपक चहर का बेस्ट रिप्लेसमेंट है? अब दीपक चहर का लेवल का बंदा तो नहीं मिलेगा, तब भी सबसे बेस्ट प्लेसमेंट कौन हो सकता है? तो CSK की टीम में बहुत सारे पेसर्स हैं, जैसे कि KM आसिफ हो गए, तुषार पांडे हो गए। लेकिन दोस्तों मुझे जो लगता है दीपक चहर का सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट राजवर्धन हांगरेकर हो सकते हैं। राजवर्धन हांगरेकर 19 साल के हैं, देखने में 19 साल के लगते नहीं है, फिर भी 19 साल के हैं। और दोस्तों ये बॉलिंग क्या गजब की करते हैं, 140 प्लस इनका बॉल का स्पीड रहता है और ये बैटिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी अगर दीपक चहर का कोई सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है CSK की टीम में तो वो राजवर्धन हांगरेकर ही है। इन्होंने U19 वर्ल्ड कप में भी बहुत गजब का प्रदर्शन किया था। तो भाइयों आपका ओपिनियन क्या है ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।